आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। पहले दे रखा है FeCO42 माइनस COCO42 माइनस माइनस NiCO4 माइनस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बनिक बॉन्ड। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर CO के रिस्पेक्ट में कहीं, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो अगर अब हम एक चीज़ देखें, जो हमारे पास मेटल कार्बनिल का बॉन्ड होता है, मेटल कार्बनिल का बॉन्ड, उसमें हमारे पास जो है अपना सिग्मा डोनेट करता है कार्बनिल एक लोन पेयर इसको, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, फिर ये अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से, फील्ड डी ऑर्बिटल इसके पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है कार्बनिल का, उसमें बैक डोनेट करता है और बैक डोनेट करेगा, इसको हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, हमें पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, तो जितने ज़्यादा एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होगा, तो यहाँ पे एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस, ये हमारे पास डिक्रीज होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे इसका डिक्रीज होता है और MC बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस ड्यू टू दिस इफेक्ट, इसको कहते हैं हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं इस टोटल को, कि जिससे हमारे पास मेटल कार्बन का बॉन्ड तो इंक्रीज हो बॉन्ड स्ट्रेंथ और कार्बन की डिक्रीज हो, तो हमारे पास पाई जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंशन हायर होगा, पाई बैक बॉन्ड एक्सटेंट हायर उतनी हमारे पास ये चीज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो, अगर पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल डिक्रीज होगी, डायरेक्ट हिसाब है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जो है और स्ट्रेचिंग डायरेक्टली प्रमोशन है, तो बॉन्ड ऑर्डर पाई बैक बॉन्डिंग से डिक्रीज हो रहा था तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखें तो पाई बैक बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, तो ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, पाई बैक बॉन्डिंग इज हायर। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कार सब पे देखें तो कार जो तीनों दे रखे हमें, कार्बोनिल तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज वही हमारे पास होएगा सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज, तो Fe-2 में, ठीक है, कोबाल्ट माइनस में और निकल हमारे पास न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगी, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर होगा और पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंशन भी ऑर्डर ज़्यादा होगा, ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर एंड पाई बैक बॉन्डिंग का भी यही ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट ऑर्डर, ठीक है, यही ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। लेकिन अगर पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंट का ऑर्डर ही है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो अपोजिट हो जाएगी, FeCO42-, ठीक है, उससे ज़्यादा फिर CO4- की सबसे ज़्यादा निकल कार्बोनिल की, जिसमें जितनी कम पाई बैक बॉन्डिंग एक्सटेंशन उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। फिर हमारे पास MnCO5- एंड MnCO6+ इम्प्लाइज, मतलब ऑर्डर दे रखा है EN ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमें देखे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ लीगेंड एंड प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। अब हमें कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, MnCO5- एंड MnCO6+। तो अगर हम इसका अब EN निकालें, पहले इसका निकालते हैं EN, तो EN निकाले एटॉमिक नंबर का मैंगनीज 27, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 2 और 5 है, तो 2×5 लिगेंड काउंट हो गया। और देखे तो इस पे अगर हम देखें तो कार्बन न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो जो चार्ज कॉम्प्लेक्स पे भाई मैंगनीज पे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो +1, तो ये हो गया EN इसका 38। ठीक है, सॉरी, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, ठीक है, तो 30, ये हमारे पास कितना आ गया 36। ठीक है, यहाँ से आ गया 36। अब इसका EN निकालें, ठीक है, तो मैंगनीज का 25 प्लस 6×2, 2×6 हो जाएगा, और एक अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो -1, ठीक है, क्योंकि कार्बन न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज वही हमारे पास मैंगनीज पे आएगा, तो 25 + 12 - 1 = 36, तो इनका EN देखें तो बराबर है, किसी का ना बड़ा है ना छोटा, तो ये हमारे पास ऑर्डर रॉन्ग हो गया कि MnCO6 का बड़ा दे रखा है पॉजिटिव का, रॉन्ग। ट्राई EN और EMA डी
टू माइनस डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी होते हैं जो हमारे पास डेंटिसिटी को, अगर डेंटिसिटी होती है हमारे पास टोटल एटम्स ऑफ ए लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। तो अगर हम देखें ट्राइएन और इमडा टू दे रखा है, ट्राइएन एंड इमडा टू माइनस, इमडा टू माइनस होता है हमारे पास इमीडो डाई एसिटेट और ट्राइएन होता है हमारे पास, सॉरी इमडा टू होता है हमारा इमीनो डाई एसिटिक एसिड डाई एसिटेट, ठीक है, ये होता है इमीनो डाई एसिटेट और ये ट्राइएन होता है ट्राई इथाइलीन टेट्रा अमीन, ठीक है। और अगर हम देखें इनकी डेंटिसिटी तो हमारे पास इमीनो, अगर डाइस्टेट का स्ट्रक्चर देखते होता है NH2CH2CO-, ठीक है, और ये CH2CO-, इसमें हमारे पास तीन डोनर साइट होती है, दो एक नाइट्रोजन की और दो, तो इसकी डेंटिसिटी 3 होती है, डेंटिसिटी 3 क्योंकि तीन साइड से जुड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम से। और ट्राइएन की बात करें तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देखे तो NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, इसका हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें चार डोनेटिंग साइट होती है, एक ये नाइट्रोजन, एक ये और एक ये, इसमें हमारे पास चार जगह से कनेक्ट हो सकता है, तो इसकी हमारे पास डेंटिसिटी 4 होगी, डेंटिसिटी 4। तो अगर देखें तो डेंटिसिटी हमारे पास ट्राइएन की ज़्यादा इमडा टू माइनस से, इमीनो डाइस्टेट से, तो हमारे पास में इक्वल दे रखी है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर हमारे पास NIEN3 3 2 पॉजिटिव, NIEN2 2 पॉजिटिव नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, अगर देखें NIEN3 2 पॉजिटिव एंड NIEN3 2, ठीक है, EN2 2 पॉजिटिव नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स देखे तो किसमें ज्यादा होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ज्योमेट्रिकल और हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब NIEN3 की बात करते हैं तो हमारे पास इथाइलिन डायमिन एक बाइडेंटेट लिगेंड है जिसकी दोनों डोनेटिंग साइट नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा NIN ठीक है इसका ये स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अगर इसमें देखे कैसे भी अरेंजमेंट कर ले और क्योंकि सारे हमारे पास जो एटम्स है लिगेंड्स के वो सेम है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हमारे पास सेम स्ट्रक्चर देंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ये सेम स्ट्रक्चर, तो हमारे पास ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा नहीं पाएगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है जो लिगेंड्स की डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करने से है हमारे पास जो, ठीक है। तो अगर हम अब देखें तो इसमें हमारे पास और ये ज्योमेट्रिकल तो दिखा नहीं पाएगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से दिखाते हैं जिसमें POS प्रेजेंट ना हो, प्लेन ऑसिमेट्री होती है जब हम कोई प्लेन पास करें मॉलिक्यूल में तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए जब कोई मॉलिक्यूल में से प्लेन पास हो, तो वो हमारे पास होती है, ये हमारे पास होती है POS, और जिसमें अगर POS नहीं होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो अगर यहाँ देखें तो मैं यहाँ से कोई प्लेन पास कराऊँ तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी क्योंकि एक तो इसका डिस्टोर्टेड ऑक्टेंगल हो जाएगा और इस दोनों साइड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होती, POS प्रेजेंट नहीं होता, और POS प्रेजेंट नहीं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकल एक्टिव तो दो एनेंशियोमर्स देगा, ये दो एनेंशियोमर्स एक डी एंड एल फॉर्म, तो इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स हुए दो हुए, स्टीरियो आइसोमर्स दो हुए। फिर हमारे पास NIEN2 2, तो ये हमारे पास दो फॉर्म में रहता है, सिस और ट्रांस, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, ये देखिए ये तो होगी हमारे पास सिस जिसमें हमारे पास सेम लिगेंड्स है वो से एडजेसेंट साइट पे प्रेजेंट हो, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सिस, और ट्रांस हो गया जिसमें हमारे पास सेम लिगेंड डिफरेंट साइड हो, सेम लिगेंड अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, ठीक है, NH3 NH3, ठीक है। अब हम कोई प्लेन पास करवाएं यहाँ से तो ये इक्वल हाफ डिवाइड हो गया, ऊपर NH3 और नीचे NH3, तो इसे ये तो ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाएगा। मैं यहाँ से कोई प्लेन पास कराऊंगा, ठीक है, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इस साइड इथाइलिन डायमिन का मॉलिक्यूल है और इस साइड NH3, और वैसे भी डिस्टोर्टेड ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, तो POS
नहीं है पीओएस, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा तो दो ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म होंगे इसकी, दो टू एनेंशियोमर्स होंगे, टू एनेंशियोमर्स दैट इज डी एंड एल फॉर्म, तो इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, दो तो यहाँ से और एक ये, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दो तो इसके और एक हमारे पास ट्रांसफर, क्योंकि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, तो तीन, तो इसके हमारे पास ज्यादा है स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इसके ज्यादा है, तो हमारे पास इसके जो ऑर्डर करेक्ट, जो करेक्ट ऑर्डर है वो है ए एंड डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।